दिल्ली के द्वारका विधानसभा के दुर्गा पार्क रामलीला मैदान में बीजेपी ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिमी दिल्ली के द्वारका विधानसभा में बीजेपी ने एक भव्य जनसभा का आयोजन किया। तमाम पोस्टर्स, बैनर्स और सोशल मीडिया के जरिए मैसेज फैलाया गया कि कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं, लेकिन रात होते होते पता चला कि राजनाथ सिंह किसी कारणवश कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे। जनसभा में कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के साथ पूर्व विधायक प्रद्युम्न राजपूत, वार्ड्स के तमाम पूर्व पार्षद और जिला के तमाम नेता मंच पर मौजूद रहे। अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, दिल्ली में क्या पूरे देश में वातावरण है, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जनता संकल्प ले चुकी है। दिल्ली की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीत रही थी। इस मौके पर रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में लोग नजर आए। चारों तरफ बीजेपी के झंडों की झलकें और मोदी मोदी के नारों की गूंज सुनाई दी। जनसभा के बीच तमाम सिंगर्स और कवियों ने महफिल को और ज्यादा खुशनुमा बना दिया। इस बीच कमलजीत सहरावत ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। चुनाव प्रचार आज एक तरह से कहिए तो नॉमिनेशन के बाद पूरा स्पीड पकड़ता है, तो चुनाव प्रचार बढ़ रहा है, लेकिन ये चुनाव प्रचार 65 दिन से चल रहा है। इतना लंबा चुनाव प्रचार शायद ही दिल्ली ने कभी देखा हो, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात रही कि मैं क्षेत्र में जनता के पास जा पाई, उनके चेहरे पर मोदी जी के प्रति विश्वास देख पाई, अगले आने वाले संकल्प पत्र के लिए उम्मीद देख पाई और किए हुए कामों के लिए जो मोदी जी ने किए हैं देश के लिए, दिल्ली के लिए और पश्चिमी दिल्ली में के लिए, उनका समर्थन मैं ले पाई। तो ये चुनाव अब आगे बढ़ रहा है और जनता का समर्थन दिन पर दिन बढ़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, अब उनका क्या है ये तो वही बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सातों सीटों पर पिछली बार से अधिक बहुमत से जीत दर्ज कराएगी, मैं जनता की आंखों में विश्वास देख सकती हूँ। तो इस तरह की जनसभाएं पूरे देश में चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव का माहौल है। अब देखना ये होगा कि कौन प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेगा और जनता किसे जीत का ताज पहनाएगी। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।